पूरा देश आज आजादी का जो पर्व है, जश्न है, वो मना रहा है। आजादी के क्या मायने हैं, इसको लेकर आज हम हमारे जो नगरी न्यूज के जो हमारे साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनके लिए आजादी के क्या मायने हैं। विजय हमारे साथ हैं। विजय से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, विजय, आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा है, अंग्रेजों से तो आजादी मिली है, लेकिन आजादी आप किस तरह से देखते हैं? देखो, अपना देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज के टाइम में जिस तरह से हिंसाएं हो रही है, आप जैसे अभी ले सकते हो अभी मणिपुर हिंसा है, उसमें लोग अपने धर्म के नाम पर कैसे उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे जो घटनाएं लेके जा रही है, आए दिन आ रही है महिला को लेके, या किसी अपने छात्रों को लेके जिस तरह से राजस्थान में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो लोग, मैं समझता हूँ तो अपना देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन एक तरह से अपनी सोच से अपने अधिकारों की मांग को लेकर वो आज़ाद नहीं हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि लोगों के एक सोच बदलनी चाहिए। आज़ाद होने से ये मतलब नहीं है कि देश आज़ाद हो गया तो कुछ भी कर सकते हैं। लोग आज़ाद के मायने ये भी निकालते हैं कि अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके अनदेखा प्रदर्शन करना, देश में शांति फैलाना, इस तरह से आए दिन घटनाएं मामले देखी जा रही है। तो ये भी हो सकता है कि आज़ाद एक तो अपनी सोच को एक सोच बदल सकते हैं। आज़ादी पहले भी मिल चुकी है, पर आज भी है ना, लोग है ना उस आज़ादी का गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं कई लोग। मतलब किनके पास पावर होती है तो वो है ना उसको है ना गलत इस्तेमाल करते हैं उसका, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और है ना, लड़कियों के लिए देखी जाए तो आज़ादी नहीं है एक मायने से, मतलब कि वो रोज़ रात को लेट तक नहीं रुक सकती बाहर, या कहीं बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए सेफ होना चाहिए। सर देखिए, हम 77वां आज मना रहे हैं स्वतंत्र दिवस, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अपना देश आज़ाद नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि क्या क्या हो रहा है देश में। जैसे अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो तो एक तरीके से हमें आज़ादी दिला के चले गए, लेकिन उसके बाद बस हम उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं 2 दिन और उसके बाद भूल जाते हैं। बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमें आज़ाद होना चाहिए वो नहीं है। अब आप देख लीजिए सरकार जो कर रही है, भ्रष्टाचार या आज़ादी के रूप में बिल्कुल भी नहीं आता। जब तक वो ईमानदार नहीं होगी तो वो आज़ादी कैसे कहलाएगी? खाली हमें ये नहीं कि स्वतंत्र सेनानियों ने हमें आज़ादी दिला दी, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हमें आज़ाद होना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से लोग ईमानदारी सब भूल रहे हैं, ये सब आज़ादी की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं खुद जानती हूँ कि अभी भी मैं सेफ अपने आप को महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि रात में हम बाहर जाते हैं तो भी हमें डर लगा रहता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लड़कियों के साथ किया जा रहा है, रात में वो लोग बाहर नहीं निकल सकती, अगर कोई कपड़े पहने तो उन्हीं को जज किया जाता है, तो वो आज़ादी के उसमें नहीं आता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी सबकी जो मेंटेलिटी है वो लोगों की है कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज़ाद तब तक नहीं होंगे जब तक सब कुछ सही नहीं होगा। सर देखिए, सबसे पहले तो सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से ठीक 76 साल पहले 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान आज भी पीछे रह चुका है, लेकिन भारत, अब हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है। अब बात करते हैं कि आज़ादी के मायने क्या है। तो देखिए, कई त्याग और संघर्ष के बाद, कई बड़े बलिदान के बाद हमारे जो शहीद है उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी, जिसके बाद हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन अगर आज भी हम बात करते हैं कि मतलब भारत आज़ाद है या नहीं, तो भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो आज भी महिलाएँ बेखौफ होकर नहीं घूम सकती है। आप देखिए, दिन प्रतिदिन राजस्थान हो या राजस्थान के बाहर हो, ऐसी हिंसक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। तो सबसे पहले मुद्दा तो यही होता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है सरकार और प्रशासन को आज़ादी के तरीके से कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कि जिससे महिलाएं सुरक्षित रहे। रही बात, बहुत सारे जो नेता है वो पावर का गलत यूज़ करते हैं। आप भ्रष्टाचार को लेकर देख लीजिए, दिन प्रतिदिन मामले बढ़ रहे हैं घटने की बजाय। तो इन सब बातों पर भी सरकार को गहनता से जो है विचार करना चाहिए। आज़ादी, हम आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। सर मैं तो ऐसे आज हम 77वां आज़ादी दिवस मना रहे हैं, इसको लेकर यही कहूँगा कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में न तो शिक्षा की व्यवस्था है, न अभी तक कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर न तो विद्युत है और कई बड़े स्कूल नहीं है वहाँ पर। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल एवं विद्युत की व्यवस्था और भी ज़्यादा जो सुविधा हो वो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करनी चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जो
ग्रामीण बच्चों को अधिक से अधिक फायदा हो और वहाँ के बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों की तरफ निकले और उनका अच्छा विकास हो सके। हमारे साथी थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा आज़ादी के क्या मायने वो सोचते हैं, क्या उनके लिए आज़ादी है महिला सुरक्षा हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे मूलभूत जो सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इन सभी को लेकर आज जो बात है वो यहाँ पर हुई है। और आप आज़ादी, हमारे दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।